लॉकडाउन के बाद से लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, वहीं पेट्रोलियम कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही हैं। ऐसे में लोगों की जेब पर लगातार भार बढ़ता जा रहा है और अब लोग महंगाई की दोहरी मार झेलने को मजबूर हो रहे हैं। आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एसटीएन ने लोगों से बात की तो लोगों ने केंद्र सरकार को भी जमकर आड़े हाथों लिया और दाम कम करने की मांग की। लोगों का आरोप था कि क्रूड ऑयल के दाम लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन कंपनियां दामों को कम करने के बजाय बढ़ाए जा रही है। केंद्र सरकार दखल देकर दाम कम करवाए। अलग नहीं है, अभी 3 महीने का वजह से लॉकडाउन में परेशान हो रही पब्लिक है, उसके बाद पेट्रोल पर डीजल पर पैसे बढ़ते जा रहे हैं। फिर काम धंधे भी नहीं चलेंगे तो गाड़ियां कहाँ चलेंगे, हमारा क्या ऐसे खड़ी कर देंगे, फिर पैदल जाएगी पब्लिक, परेशान होगी, क्या मतलब आ रहा है। कितने पैसे बढ़ गए, कितने पैसे बढ़ गए, अभी 1 महीने में कम से कम 25 कितने बढ़ गए, 15-20 रुपये बढ़ा देना। पेट्रोल और डीजल में जो वृद्धि पिछले 15-20 दिन में हुई है उससे आम आदमी त्रस्त है। इन्होंने अपना बजट कम करके पेट्रोल और डीजल भी कम लेना शुरू कर दिया है और आगे आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से फल सब्जी और किराना इन सब चीज़ों के भाव आसमान में बढ़ेंगे, जिससे आम आदमी प्रभावित होगा। यही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को उनकी लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ने के कारण उनको अपनी फसल का पैसा भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये सब अन्न वगैरह सब आगे महंगे हो जाएंगे। रोजगार तो चल नहीं सकता लोगों को, रोजगार तो वैसे में हम लोग साल भर तो नहीं चलेगा रोजगार, तो आजकल की परिस्थिति ऐसी चल रही है। क्या होना चाहिए, कम तो होना चाहिए, पेट्रोल तो कम तो होना चाहिए, कम से कम जितना बड़ा उत्पाद कम हो जाए। गरीब आदमी बहुत परेशान हो रहा है, 3 महीने से एक लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी आ रही है और सरकार पेट्रोल पे दिन ब दिन रेट बढ़ाती जा रही है। आज 87-88 रुपये लीटर पेट्रोल है, गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएगा, क्या करेगा, वो काम धंधे ठीक से चल नहीं रहे, कोई नौकरी पर रख नहीं रहा है, तो कैसे करेगा, क्या करना चाहिए। सरकार को रेटें डाउन करनी चाहिए, इसके अलावा पेट्रोल के अलावा और दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल की रेटें बहुत ज़्यादा है अभी, तो पेट्रोल का थोड़ा सा दाम घटाना चाहिए। कम से कम जो पहले 70 रुपये लीटर पेट्रोल था तो वो 70 रुपये से डायरेक्ट 90 रुपये हो गया है, यानी 20 रुपये लीटर पे बढ़ चुका है।